दोस्तों, अगर आप मोबाइल में गेम खेलने के शौकीन हो और आप 30,000 के अंदर गेमिंग फोन ढूंढ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं लेकर आया हूं टॉप के 5 ऐसे शानदार गेमिंग फोन जिसे कि आप 30,000 के बजट में बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इन फोन्स को रखने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है और वो है उनका गेमिंग में शानदार परफॉर्मेंस देना। लिस्ट में हम नंबर 5 से शुरू होकर नंबर 1 की तरफ जाएंगे और लास्ट के दो फोन तो क्या जबरदस्त गेमिंग फीचर्स देते हैं, तो आप बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो आता है वो फोन अभी अभी लॉन्च हुआ है, वीवो T3 अल्ट्रा। इसके पावरफुल चिपसेट और उनके परफॉर्मेंस के बेस्ट पे ये इस लिस्ट में शामिल होता है। हालांकि आप इसे कैमरा प्रेफरेंस से भी बाय कर सकते हैं, कैमरा का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है इसका। इसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस का चिपसेट मिल जाता है। इस ऑक्टाकोर प्रोसेस को बनाया गया है सेकंड जनरेशन के 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस से और इसके अंदर आपको मिलता है सुपर परफॉर्मेंस वाला प्राइम कोर कॉर्टेक्स X3 CPU जिसका क्लॉक स्पीड 3.35 GHz है। ये वीवो के टी सीरीज की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। इसके अंदर आपको 12GB का LPDDR5X RAM और 256GB का UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाता है। इसके अलावा आप RAM को एक्सटेंड करके 24GB तक कर सकते हैं। अब आता है इसके परफॉर्मेंस की तरफ। दोस्तों, वीवो T3 अल्ट्रा को जब इसके बजट के पावरफुल चिपसेट के साथ कंपेयर किया गया तो इसका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त निकल कर आया। इसके अंदर आपको 14.5 लाख का अंतुतु स्कोर मिल जाता है और बात अगर गीगबेंच स्कोर की करेंगे तो वो सिंगल कोर में 1854 और मल्टी कोर में 5066 आया जो कि अगेन सेगमेंट बेस्ट है। तो आप गेमिंग वगैरह काफी शानदार तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड ऑन फंटच ओएस 14 जिसके अंदर आपको 47 प्रीलोडेड एप्स मिल जाते हैं। इसका कंपैरिजन वीवो के V40 सीरीज की करें तो T3 अल्ट्रा का UI काफी क्लीन नजर आता है। इसके अंदर आपको 2 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं। कुछ और फीचर्स को देखेंगे तो इसके अंदर 6.78 इंच का FHD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले इसका काफी ब्राइट है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। 5500 mAh की लंबी सी बैटरी, 80 वाट का फ्लैश चार्जिंग और ड्यूल रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर को मिल जाता है जिसमें 50MP का सोनी IMX921 प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड आता है। 50MP का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। फ्रंट बैक दोनों से आप 4K 60fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। ये फोन आपको 30,000 में मिल जाएगा। हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो फोन आता है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से उनका GT20 Pro। दोस्तों, इस फोन के बारे में कंप्लीट डिटेल रिव्यू मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर किया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और एंड में दे दूंगा, आप इसे देखने के बाद उसे जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, इन्फिनिक्स GT20 Pro में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट का चिपसेट। ये एक 4nm फैब्रिकेशन का चिपसेट है तो पावर एफिशिएंसी इसका काफी अच्छा है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो है 8 256GB जबकि एक और वेरिएंट 12 256GB है। रैम टाइप में आपको LPDDR5X और स्टोरेज में UFS 3.1 का टाइप मिल जाता है। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो अंततः टेस्ट में इसका स्कोर 9.5 लाख निकल कर आया हुआ है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। गेमिंग पर्सपेक्टिव से देखूं तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। BGMI, COD मोबाइल और एसफॉल्ट जैसे गेम्स आप 90fps पर खेल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चिपसेट पिक्सल X5 मिल जाता है जो कि ग्राफिक्स को और मजेदार बनाता है। इसमें आपको टिल्ट कंट्रोल और मोशन डिटेक्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको वेपर कूलिंग सिस्टम और ग्रेफाइट सीट दिया हुआ है तो हीट मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से होता है। दोस्तों, ये फोन एंड्रॉइड 14 पर आता है जिसके अंदर आपको 2 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा 5000mAh की ह्यूज बैटरी भी आपको काफी पसंद आने वाला है। 144Hz का रिफ्रेश रेट और एक ब्राइट डिस्प्ले आपको गेमिंग स्पेस को और स्मूथ बनाने वाला है। इसके अलावा एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम फोन को हीट से भी काफी अच्छे से बचाता है। ये फोन इस वक्त आपको 22,000 में मिल जाएगा। हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो फोन आता है वो है OnePlus Nord 4। आई नो बहुत सारे लोग इस लिस्ट में इस फोन को देखकर ऐसे शॉक होंगे, हाल फिलहाल में OnePlus फोन्स की हालत को देखकर। ये ग्रीन लाइन इशू सिर्फ OnePlus की प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत सारे फोन में ये देखने मिल रहा है और इस लिस्ट में इस फोन को रखने के पीछे का रीजन है इसका पावरफुल परफॉर्मेंस। दोस्तों, OnePlus का ये फोन काफी अच्छा है। Nord 4 ने अपनी डिस्टिंक्टिव मेटल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ काफी अच्छा इंप्रेशन दिया है। Nord 4 में आपको मिलता है Snapdragon 7 Plus Gen 3 का चिपसेट जिसका अंततः स्कोर 11.5 लाख के ऊपर गया हुआ। Geekbench स्कोर को भी देखेंगे तो सिंगल कोर में 1744 और मल्टी कोर में 4365 स्कोर निकल कर आता। बात जब गेमिंग की आती है तो इस फोन में आप BGMI 50-55fps पे खेल सकते हैं। लॉन्ग गेमिंग सेशन में भी फोन हिट नहीं करता है। इसमें आपको मिल जाता है अप टू 12GB का LPDDR5X RAM और 256GB का UFS 4.2 का स्टोरेज। गेमिंग सेशन को और ज्यादा सपोर्ट करता है इसका 5500mAh की ह्यूज बैटरी और 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो कि इस फोन का एक मेजर प्लस पॉइंट है। एंड्रॉइड 14 पर आने वाले इस फोन में आपको मिलता है 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स जो कि मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही हो गया। इसके अंदर आपको 6.7 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। इस वक्त ये फोन आपको 30,000 में मिल जाएगा। पोको F6। दोस्तों, अगर आपको मिड रेंज में एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं इस फोन को, पोको F6। पोको के F सीरीज का जो कोर एक्सपेक्ट है ना वो है इसका परफॉर्मेंस। इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस सेगमेंट बेस्ट है और इसका डिस्प्ले क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का चिपसेट यूज किया गया है जिसका मकसद था ऑन डिवाइस AI हाइपर रियलिस्टिक मोबाइल गेमिंग को मोर एक्सेसिबल बनाना यूजर्स के लिए। इसके अंदर आपको 15 लाख के ऊपर का अंततः स्कोर मिल जाता है जो कि इसके
जबरदस्त पावर को बताता है और इसको इस सेगमेंट का लीडर बनाता है। इसके अलावा आइस लूप कूलिंग टेक्नोलॉजी और लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 4.0 के द्वारा फोन के हीटिंग इशू को सॉल्व किया गया है और वाइल्ड बूस्ट ऑप्टिमाइजेशन 3.0 स्मूथ गेम प्ले को इंश्योर करता है। BGMI, COD और रियल रेसिंग जैसे गेम्स को आप खेलते वक्त किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप और स्टटर नहीं देखते हैं। एंड्रॉइड 14 पर आने वाले इस फोन में आपको 12GB का LPDDR5X रैम टाइप और अप टू 512GB का FS4.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाते हैं। 5000mAh की बैटरी और 90W का फास्ट चार्जर भी इस फोन में को काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों ये फोन 30,000 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो फोन आता है वो है Realme GT60। 30,000 के अंदर में अगर आपको कोई गेमिंग फोन चाहिए और आप कंफ्यूज है कि कौन सा फोन ले, तो आप आंख बंद करके जो एक फोन ले सकते हैं वो ये फोन है Realme GT60। दोस्तों इस फोन को बनाया ही गया है गेमिंग के नजरिए से। इस प्राइस रेंज में इसके अंदर आपको LTPO पैनल का अनमैच डिस्प्ले भी मिल जाता है जिसका पीक ब्राइटनेस 6000 गया हुआ है। स्नैपड्रैगन 7+Gen3 के चिपसेट पर ये फोन आता है। ये एक 4nm फैब्रिकेशन का चिपसेट है जिसका क्लॉक स्पीड 2.8GHz का है, मतलब कि लाइटनिंग फास्ट लोड टाइम, एफर्टलेस मल्टीटास्किंग और इंटेंसिव मोबाइल गेमिंग को हैंडल करने की एबिलिटी। इस फोन का अंततः स्कोर 14.5 लाख के ऊपर गया हुआ है। इसके अंदर एडवांस आइसबर्ग वेपर कूलिंग सिस्टम यूज किया गया है जो कि इसके थर्मल्स को काफी अमेजिंग तरीके से रेगुलेट करता है। आप BGMI, COD, रियल रेसिंग जैसे गेम्स स्मूथ तरीके से खेल सकते हैं, कोई स्टटर या फ्रेम ड्रॉप इशू नहीं आता है। एंड्रॉइड 14 पर आने वाले इस फोन में आपको मिलता है अप टू 12GB रैम और अप टू 512GB का स्टोरेज। सॉफ्टवेयर अपडेट्स में देखें तो आपको 3 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 5500mAh की बैटरी और सेगमेंट बेस्ड 120W का सुपर बुक चार्जर भी मिल जाता है। ये फोन भी आपको 30,000 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप के 5 ऐसे पावरफुल स्मार्टफोन जिनको आप गेमिंग पर्सपेक्टिव से बाय कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा फोन सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।